ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके चैनल में बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अगर आप सुबह उठकर ये दो काम नियमित रूप से करते हैं तो आपके जीवन में वो बदलाव होगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिन जातकों का शनि खराब है, जिन जातकों का राहु खराब है, जिन जातकों का सूर्य खराब है और कुंडली में बहुत सारे ग्रह जो हैं वो नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन में दे रहे हैं, तो उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित सुबह जो दो बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बस इन्हें आज से ही करना शुरू करें। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और ये जितनी सारी परेशानियाँ चल रही है ना, इन ग्रहों से जुड़ी हुई, ये भी खत्म हो जाएगी। हाँ दोस्तों, तो वो क्या है उसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और चीज़ों को समझें। शायद आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी चीज़ जो मिस कर रहे हैं उसे कनेक्ट कर पाए और अपने ग्रहों को आप एक सही दिशा में खुद अपनी तरह से कर्म कर पाए। अब रही बात, इस बात को मैं बताऊं उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ। कमेंट्स में भोलेनाथ का नाम लिखें, हर हर महादेव, जय शिव शंभु लिखें। और अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, तो स्क्रीन पर नंबर जो चल रहे हैं उन्हें आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों, तो एक बार बात ज़रूर करें, शायद आप किसी समस्या का सकारात्मक समाधान आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से और हमारी कुंडली विश्लेषण से ज़रूर मिलेगा। सबसे पहला काम आपको करना है कि जैसे ही आप सुबह उठें तो जो गलतियाँ नहीं करना है वो मैं बताता हूँ, फिर जो करना है वो बताता हूँ। कांच में अपना मुंह नहीं देखना है, कुछ भी हो जाए सुबह उठकर कांच में अपना मुंह नहीं देखना है। दूसरा, मोबाइल भी चेक नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल में नेगेटिव नोटिफिकेशंस आते हैं, उनसे पूरा दिन नेगेटिव जाता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात कि दिमाग में सुबह उठते से ही एकदम चिंताग्रस्त नहीं होना है, टेंस में नहीं होना है। जैसे आप सुबह उठें, उठने के बाद सबसे पहले भगवान कृष्ण का चेहरा देखें। जब भगवान कृष्ण का चेहरा आप देखेंगे तो आपके नौ ग्रहों को शांति मिलेगी। और दूसरा, अगर आप अपने घर में माता पिता हैं तो माता पिता का चेहरा ज़रूर देखें, उनकी चरण वंदना करें। और तीसरा, पंचमुखी गणेश जी के दर्शन करें, अपने कमरे में लगा के रखें।